आगे हम चल रहे हैं, हमारा सेशन वहां क्या बात है कि, और हम चलते हैं। सभी लोग शांति से बैठेंगे। आज जो हम लेने जा रहे हैं शांतिनाथ भगवान का मेडिटेशन, जगत शांति कराए की शांति धारा हमने की है, आज उन्हीं से हम एनर्जी लेंगे। शांतिनाथ भगवान को ही आप अपने हृदय में स्थापित करिए और उन्हीं की ऊर्जा लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश आज हम करेंगे। उन्हीं का सिंबल हम देखेंगे, बनाएंगे, अपने आज्ञा चक्र पर धारण भी करेंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वासों के साथ ब्रीद इन, ओम ओम दोनों हाथों को हम संवेदनशील बनाएंगे। इस प्रकार से हाथों को रखिए, दोनों हाथ आपके पास में फिर दूर, और भगवान की हम जाप करते हुए यह बात करेंगे। ओम ह्रीम श्री अरहम श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इन संवेदनशील हाथों से जहां भी आपको लग रही है झंझट है अपने हृदय में, काय क्लेश झंझट, मन चंचल हो रहा हो, मन के अंदर अचल विचलपना आ रहा हो, बहुत से निगेटिव थॉट्स आ रहे हो, आप अपने मन को क्लीन करिए, मन को मोड़िए, मन को मोड़िए, मन को क्लीन करिए, मन को अपने क्लीन करने की कोशिश करिए। मन की सफाई, शरीर की सफाई, शरीर की शुद्धता हमने कर ली, आज हमें मन की शुद्धता, मन की सफाई, मन को मोड़ के करना है। आप अपने मन को मोड़ लीजिए और इससे 3 बार आप इस प्रकार से मन को क्लीन करिए। जहां आपको लग रहा है किसी प्रकार की परेशानी, रोग है, वहां लाल रेड मार्किंग करके वहां पर भी 3 बार अपने संवेदनशील हाथों से सफाई लगा लीजिए। जिस प्रकार हम झाड़ू लगाते हैं उस प्रकार से हम अपने अंदर के कचरा को सुबह सुबह क्लीन करेंगे। और आगे हम सिंबल, शांतिनाथ भगवान का सिंबल आपको पहले दिखा देती हूँ। शांतिनाथ जी का कहता हिरण, सत्य धर्म की रहो शरण। आज हम शांतिनाथ भगवान की शरण में अपने आप को लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हो सिंबल, शांतिनाथ भगवान का सिंबल थोड़ा सा कठिन है बनाने में, लेकिन हम बना लेंगे।
आपको अभी मैं बता दूंगी। जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र द्वितीय चक्र जो है, जिसका कलर ऑरेंज है, बीजाक्षर वम है, वहां पर ये सिंबल पूरी तरह काम करता है। और 24 तीर्थंकर भगवान के जो बीजाक्षर यहाँ दिया है, ती बीजाक्षर और संतिम जिनम, ये जो प्राकृत भाषा में लिखा है, शांतिनाथ जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार, इसका अर्थ होता है इनका सिंबल। उसके बाद इनका चिन्ह जो है वो हिरण है, आप देख रहे हो। आपने जहां भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देखी हो, रामटेक में बहुत अच्छी प्रतिमा है 16 फीट की गोल्डन कलर की, उस प्रतिमा की और आपको नित्य ही देखना है, नहीं तो आपके पास ये प्रतिमा है ही है, इसको देखना है आपको निरंतर। देखते रहने से ही आपके अंदर प्रभु को देखने मात्र से ही हमारे अंदर शांति का वर उत्पन्न होता है, क्षमता भाव हमारे अंतर भर जाता है। शांति नाथ प्रभु शांति का वर दो, समता भाव से अंतर को भर दो, समता भाव से अंतर को भर दो। शांति नाथ प्रभु शांति का वर दो। चलते हैं, अब हम इस सिंबल को बनाएंगे, आप देखेंगे इस सिंबल को हम किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, वैसे बनाने आप जाते हैं, एक लाइन नीचे आ रही है, यहां से फोल्ड हो जा रहा है ये, इसको यहां से घुमाएंगे, पूरा चक्र इसका एक डब्लू तैयार हो रहा है, ऊपर जाएगा, वापस आपको राइट में इसको फिनिश करना है। सरल है, लगता है हमें ऐसा थोड़ा सा देखने में कि कठिन है, एक बार और आप देख लीजिए, एक बार और बना देते हैं, थोड़े मोटे पेन से बना रहा है ये डब्लू, यहाँ पर आके ऊपर जाके फिर ये पलट एंड हो, एक बार बनाओ दोबारा, बहुत अच्छा हो जाता है ये, दोबारा में बहुत अच्छे से आ जाता है एक बार बनाने के बाद। आप अपने आज्ञा चक्र पे इसको बना लीजिए, यहां से शुरू करिए, नीचे लाइए, फिर दो बार इसको फोल्ड करके पूरा गोल घुमाइए, गोल घुमाने के बाद नीचे से फिर वापस ऊपर जाकर उसे वापस मोड़ दीजिए, आपके आज्ञा चक्र पे बन गया। जब हम उंगली से इसको बनाते हैं तो इसकी ऊर्जा इतनी हो जाती है, बहुत ज्यादा, किसी को सहन होती होंगी, किसी को नहीं भी होती होंगी, मैंने जैसे उंगली फेरा तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं बनाना बताती हूँ और जब अपने आज्ञा चक्र पे बनाती हूँ, दोनों में काफी फर्क है, दोनों की ऊर्जा में काफी फर्क है। जब हम मस्तक पे दोनों भोग के मध्य में उसे स्थापित करते हैं तो उसकी एनर्जी डायरेक्ट हम पे असर करने लगती है। चलिए, आपने बनाना सीख लिया, दोनों भोग के मध्य में स्थापित कर लीजिए, जो लेट आ रहे हैं वो भी स्थापित कर लीजिए, स्वाधिष्ठान चक्र पे यहाँ काम करता है, स्वाधिष्ठान चक्र भी आपको बता दे, ये देखिए सेक्स चक्र जिसे कहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। सभी लोग शांत बैठ के सोचेंगे, विचार करेंगे और देखेंगे शांतिनाथ भगवान की मुद्रा की ओर, किस प्रकार से दोनों हाथ हाथ पे हाथ रखे, करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, आप देख रहे हो शांतिनाथ भगवान की मुद्रा को, आप देखिए निहारिए और उनके गोल्डन कलर के परमाणु को अपने अंदर स्थापित करिए, विचार करिए, सोचिए, जो प्रभु शांतिनाथ के पास शांति है, वो शांति की किरणें हमारे अंदर कैसे प्रस्थापित हो, हम किस प्रकार से अपने अंदर शांति प्रस्थापित कर जगत शांति की भावना कर सकते हैं, जग में हम कैसे शांति प्रस्थापित कर सकते हैं और सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, शांत रहे, पवित्र रहे, इसी भावना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनम,
ओम सर्वे भवन्तु शान्तोऽहम्, ओम सर्वे भवन्तु सुंदरोऽहम्, ओम सर्वे भवन्तु पवित्रोऽहम्। सब सुख शांतिमय पवित्रतामय रहे। शांतोऽहम् शांतोऽहम् शांतोऽहम्, पवित्रोऽहम् पवित्रोऽहम् पवित्रोऽहम्। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। देखेंगे शांतिनाथ भगवान की ओर, उनके गोल्डन कलर के परमाणु आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके हृदय स्थान पर वह गोल्डन कलर के परमाणु आपके आंखों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस सिंबल को देखने की कोशिश करिए जो आपने एक आज्ञा चक्र पर अपने प्रस्थापित किया है, और विचार करिए आपकी आत्मा को छोड़कर जो भी कुछ शरीर में हो रहा है, वो सारी क्रियाएं, वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां सब शरीर की है, इस संसार की है। आप एक पवित्र आत्मा हो, आपकी जरूरत है आपकी नहीं, इस शरीर की है। विचार करिए, सोचिए। 15वें तीर्थंकर से 15वें तीर्थंकर धर्म तीर्थंकर तक धर्म की विच्युति हुई थी। 16वें तीर्थंकर से धर्म की बहुत प्रभावना हो रही है। पिता आनंददायक विश्वसेन और माता रानी अचिरा माता, जिसे ऐरावती भी कहे जाता है, ऐरा माता, ऐसे तीर्थंकर जो कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे, तीन पदवी के धारी, 63 शला का पुरुष होते हैं, लेकिन इनके समय में मात्र 57 शला का पुरुष हुए थे। क्यों? क्योंकि शांति कुंतु और अरहनाथ तीनों एक साथ ही रहते हैं और तीनों भी तीन पद के धारी थे, तो यहाँ तीन तीन पदवी एक एक्स्ट्रा थी, और शला का पुरुष 63 ही होते हैं, ये फिक्स था। तो 57 और तीन चक्रवर्ती और तीन बलभद्र और तीन तीर्थंकर नौ हो रहे थे। 57 और 6 और जुड़ जाएंगे, तीन तो इसमें ऑलरेडी है, 6 और जुड़ गए तो 57 और 6 63। इनके पास डबल पदवी होने से 57 ही शला का पुरुष उस समय हुए थे। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान का अवतरण तीन पदवियों के, तीन उत्तम पदवियों के धारी, ऐसे धर्मात्मा मोक्षगामी जीव ऐरा माता के हृदय में तीन ज्ञान को धारण कर उत्पन्न हुए। 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का शासन लगभग 3 साल तक चला। उसके अंत भाग में पाव पल्ल्य लाखों करोड़ों वर्ष तक धर्म का विच्छेद हो गया। तत्पश्चात 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का माता ऐरा के कूख से अवतरण हुआ और धर्म की धारा पुनः प्रवाहित हुई। चारों तरफ शांतिनाथ भगवान का अवतरण होते हुए शांति विधान, सभी लोगों में शांति छा गई, जगह जगह शांति विधान होने लगे। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में सुबह के समय में ऐरा देवी ने संसार के सबको सुख शांति आनंद देने वाले मति श्रुता उदी ज्ञान के धारी ऐसे पुत्र को जन्म दिया। उनका अवतरण हुआ, जिनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी, शरीर की ऊंचाई 40 धनुष की, कलर गोल्डन। ऐसे शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा हमें लेना है। आप देखेंगे शांतिनाथ भगवान को, आपके अंदर सकारात्मकता का वास हो रहा है धीरे धीरे। जो जो आप शांतिनाथ भगवान को देख रहे हैं, त्यों तो आपके अंदर मैं कौन हूं के भाव आ रहे हैं। मैं कौन हूं, विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। उनके देखकर हमने कभी भी संसार शरीर भोगों से अपने आप को निवृत्त नहीं किया है,
उन्हें देखकर हमारे अंदर भी यही विचार चल रहे हैं। हम भी इसी प्रकार संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर इसी मुद्रा में अपने आप को विराजमान करें। जहां प्रभु आप विराजमान हैं, हम भी वहीं विराजमान हुए। उसी वेदी पर इस प्रकार के भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित हो रहे हैं। आप अपनी श्वासों को बिल्कुल सहज बनाइए, सुंदर बनाइए। आती जाती श्वासों को देखिए और प्रभु को देखिए। आप जहां भी शांतिनाथ भगवान के दर्शन करें हो, उस प्रतिमा को याद करिए, उस प्रतिमा को देखिए। आप रामटेक के करें हो या और कहीं भी, आप जहां भी गए हो, जहां भी आपके मंदिर में, हम बैजापुर के मंदिर में भी रोज गोल्डन कलर के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। उस प्रतिमा को याद करिए। आपके अंदर सब कुछ है। आप सारी जरूरतों से मुक्त हो। विचार करिए, आपके लिए आपका लक्ष्य प्राप्त करना किस प्रकार संभव है? किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? जगत शांति की भावना हमारा लक्ष्य है। शांति समृद्धि, यह हमारा लक्ष्य है। चिंताओं को दूर कर चिंतन हमारा लक्ष्य है। मात्र चिंतन से, चिंते तो सहस्त्र फल, सहस्त्र उपवास का फल हमें प्राप्त होता है। चिंता नहीं, चिंतन की दशा हमें चाहिए। सोचिए उस दशा को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। अपने मन को बाह्य की आवाज से हटा दीजिए। मैं एक आत्मा हूं, सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जो कभी मैं इस इंद्रिय जनित चक्षु से देख ही नहीं पाता। इंद्रियातीत चक्षु से, ज्ञान चक्षु से उसे हमने देखने की कोशिश करना है। मन को और बुद्धि को पलटा दीजिए। और अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए। वो गोल्डन कलर की एनर्जी प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे से निकलकर आपके अंदर जा रही है। आपके एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके अंदर स्फूर्ति, सकारात्मकता का वास हो रहा है। उस शांति के किरणों के साथ आप स्नान कर रहे हो। आपके एक एक सेल्स उस शांतिपूर्ण वातावरण में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए। कितनी शांति है, कितना आनंद है। मात्र प्रभु को निहारने से, प्रभु को देखने मात्र से आपके अंदर की झलके शांति अपार, आपके अंदर की शांति झलक रही है। और आपको एक भजन याद आ रहा है। प्रभु शांतिनाथ के आओ, नजदीक तो आओ। जो जो आप शांतिनाथ भगवान को देख रहे हैं, त्यों तो शांतिनाथ भगवान आपके नजदीक आ रहे हैं।
प्रभु शांति नाथ के हो नजदीक तो आओ। आप शांति नाथ भगवान के नजदीक, सुख शांति तुझ में ही, अरे बाहर ना भरमाओ। सुख शांति तुझ में ही है, अंदर में है, अंदर की ओर देख, पर से हट, सौ में बस, यही है शॉर्टकट। इनर यात्रा, इनर जर्नी आपकी प्रारंभ हो गई है, आपके अंदर की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और अंदर जाइए, देखो कैसे है मगन जिन वर आत्म ध्यान में, देखो कैसे है मगन जिन वर आत्म ध्यान में, नहीं भासता कर्तृत्व कुछ भी आत्म ध्यान में, परिपूर्ण चित्त स्वरूप के दृष्टि तनिक निकलाओ, प्रभु शांति नाथ के आओ नजदीक तो आओ। जो जो आप शांति नाथ के नजदीक जा रहे हैं, त्यों तो आपके अंदर के काय क्लेश बाहर हवा में विलीन हो रहे हैं। आपके अंदर की उथल पथल, आपके अंदर का चंचल मन धीरे धीरे बाहर जाते दिखेगा। बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, हवा में विलीन हो रहा है। जाने दीजिए, जाने दीजिए। आपके अंदर की अशांति, काय क्लेश, झंझटे जाने दीजिए, जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए। जिस पंथ से प्रभु मोक्ष गए अब वही अपनाओ, निर्ग्रंथता स्वरूप है स्वाधीन सुखमय है, होती उसे ही सहज जो निशंक और निर्भय है, रमते हैं ये निज में प्रभु को शीश नवाऊ, प्रभु शांति नाथ के आओ नजदीक तो आओ, सुख शांति तुझ में ही, अरे बाहर ना भरमाओ, सुख शांति तुझ में ही, अरे बाहर ना भरमाओ। तुझ में ही सुख शांति है। आप अपने अंदर में जाइए और अंदर जाइए, कितनी शांति है, कितना आनंद है आपके अंदर। जो जो आप अंदर जा रहे हैं, क्यों तो शांतिनाथ भगवान की एनर्जी आपके श्वासों के माध्यम से आपके अंदर जा रही है और आपके अंदर समाहित हो रही है। आपकी आत्मा शीतल हो रही है। आपके शांति के ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। आपकी सभी समस्याएं आपसे दूर जा रही हैं, दूर जा रही है। सभी प्रकार के भय आपसे दूर हो रहे हैं।
निर्भय बनो और जय कहो श्री शांति नाथ की। निर्भय हो रहे हो। प्रभु से अपार शांति झलक रही है, झलके शांति अपार। वह शांति हमारे अंदर प्रस्थापित होकर हमारे अंदर से भी वह शांति बाहर की ओर झलक रही है। देखें ये ध्यान से, शांति के आनंद के सागर में आप लहलहा रहे हैं और वह शांति की लहरें, जो शांति की किरणें आप से भी बाहर निकल रही है। आपके अंदर बहुत बड़ी शांति की दुनिया है और उससे भी शांति झलक रही है और बाहर की ओर आ रही है, और बाहर में आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सर्कल, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका देश, सब में आप शांति की वो किरणें बिखेर रहे हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ समय के लिए आप वो विशाल शांति के लिए, शांति के साथ अकेले रहिए। उस विशाल शांति के साथ आप अकेले रहिए, उस शांति को महसूस करिए, एहसास करिए। एक मंत्र जाप के साथ उस शांति को अकेले ही, ओम शांति शांति शांति, आप अकेले अपनी दुनिया में रहिए, अपने अंतर की शांति की दुनिया में अकेले रहिए। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। उस शांति की दुनिया में आप अकेले स्विमिंग करिए, उसकी अनुभूति करिए। कितनी शांति, कितना आनंद है। मैं आत्मा शांति के सागर शांत स्वरूप हूं। शांतो हम,
मेरा असली धाम पांच तत्वों से बाहर शांति धाम है। शांत तो हम सर्वत्र शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर में तैर रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तोरी सकल जग दंड फंद निजातम धाए, सारे जगत के दंड फंद से दूर निज आत्मा को धारा हूं। बाहर से उपयोग हटाकर अंतर में हमने उपयोग लगाया है। संसार का सुख दुख से मिश्रित था, अब यहाँ अतीन्द्रिय सुख और शांति हमें प्राप्त हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांतो हम पवित्रो हम, शांतो हम पवित्रो हम। शांतिनाथ प्रभु शांति का वर दो, शांति करो सबके जीवन में, शांति शुद्ध परिणामों को भर दो। शांतिनाथ प्रभु शांति का वर दो, समता भाव से अंतर को भर दो। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ लंबी गहरी श्वास। ओ शांतिनाथ जिन राज की कुंद प्रभु टुक है जे, मन वचतन कर पूज हूँ समेद शिखर अजय। मन वचतन कर पूज हूँ समेद शिखर अजय। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर। सिद्ध स्वरूप हम कर्मातीत हम, शांतो हम शांतो हम शांतो हम, पवित्रो हम पवित्रो हम पवित्रो हम। मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों हाथ घर्षण करिए, आज्ञा चक्र पे रखिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता। दोनों हाथों को पूरे शरीर में स्पर्श करिए। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे जल के शांति अपार। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। जय जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ध्यान आज का, बहुत अच्छा ध्यान। सही, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा महसूस हुई और स्वाधिष्ठान चक्र पे ऊर्जा महसूस हुई आज तो। बिल्कुल, आज्ञा चक्र से सीधे प्रवाहित होते हुए। जय श्री नयन दीदी, चरण स्पर्श, बहुत 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 सुंदर ध्यान। पूरा ऊपर जो ब्रेन है सब रिलैक्स हो गया। मेरा हेडेक हो रहा था बैक साइड में, अभी पूरा ठीक हो गया।
हाँ स्वादिष्टान चक्र में मतलब पूरे समय ऑरेंज कलर की ऊर्जा दिखती रही मेरे को, पूरे ऑरेंज कलर की, और ऐसे भी लग रहा मतलब ऐसे दिखा के मंदिर में बैठे हुए हैं पूजा कर रहे हैं ये भी दिखा, लेकिन जो ये पूरा मेरा बहुत दर्द कर रहा था वो पूरा रिलैक्स हो गया एकदम, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था सो ही गए। आज तो साक्षात एक मुनि महाराज आए हैं और अपन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखा। एक महाराज जी आके साइड बैठ गए हैं, चेहरा नहीं समझ पा रहा था उनका, बहुत और पूरी निर्ग्रंथ मुद्रा में बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा भी लगा ली थी ना, तो इस वजह से पूरे समय ऑरेंज कलर दिखा, एनर्जी का फ्लो पूरा होता रहा। ऐसा लगता है आप चुप्पी क्यों बोल रहे, हम बोलते रहते और बैठे रहते बहुत बोला ही नहीं जा रहा, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। आवाज घर से आ गई, दीपा जी तो लगता है सो गई थी, जब खत्म हुआ तब भी वो सो ही रहे थे। मैं नींद में चली गई थी, देख रही थी। हेलो जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मुझे हाथ में स्वस्तिक दिखा रेड कलर का, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। देखिए इनका एक्सपीरियंस, इन्हें स्वस्तिक दिखा जो मंगल स्वरूप है, वो अपने आप ही दिखा। हाँ मंगल स्वरूप होता है, तो आज आपका सब मंगल मंगल होने वाला है। थैंक यू। मंगल सबका मंगल, आप हो तब तक तो सब मंगल ही हो रहा है। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, बहुत अच्छा मेडिटेशन था सारे, यहाँ गंधों में यहाँ सब बिल्कुल। अब धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं दीदी? उठती हूँ, चार पांच चक्कर करती हूँ ना। धीरे धीरे दीवार पकड़ के भी चलो और उसका बैसाखी का असहारा छोड़ दो। भाई थी कि मैं वाकल छूट जाए मेरी। हाँ, अभी तीन चार दिन ही हुए हैं मुझे जुड़े जुड़े, जब इनने कहा था कि दीदी मेरी वाकल छूट जाए, और ये कह रहे कि मैं वाकल नहीं लेती। तीन चार दिन पहले हाँ जी दीदी, कि मेरा घुटना उठने लगा है, मेरा पैर उठने लगा है। हाँ दीदी। हाँ देखिए कितने जल्दी रिकवरी हो रही है इनकी, कि वाकई भी छूट गई। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बस आपका मन करता है सुनते ही रहो सुनते ही रहो सुनते ही रहो। थैंक यू, आप लोग मुझे 1000 दिन से सुनी तो रहे दीदी, एक ही स्पीकर को 1000 दिन से सुन रहे हो आप लोग भी, धन्य हो। आप लोग का जितना कृतज्ञता व्यक्त करो उतनी कम है। डॉक्टर नंदिनी जावेरी जी हैं हमारे साथ दीदी, डॉक्टर उनको उनको सुनते हैं। जैनिन दीदी, जैनिन डॉक्टर, आज जय जिनेन्द्र सभी को, अर्चना दीदी को खास जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी तरह से शांति में प्रभु के लैप में ही हम सो गए ऐसा लगता था। लेकिन जो दिखा वो ही हम बता रहे हैं आपको। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस नंदी जी ने भी दिया अपना। मधु दीदी आप भी बोलिए, मधु दीदी भोपाल से, आकांक्षा की मदर भोपाल से। अच्छा आकांक्षा की मम्मी बहुत दिनों बाद आ रही है, कैसे हो मम्मी जी? ठीक है बहुत अच्छे से है, अब तबीयत भी ठीक है, बहुत अच्छी हो गई है तबीयत। आपकी वो प्रॉब्लम थी जो पाइल्स की, ठीक हुई? हाँ ठीक हो गई, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गई, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब कुछ तकलीफ नहीं है एकदम। आपकी कृपा है दीदी, आपका आशीर्वाद है, शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद है, सब आदिनाथ भगवान का। हाँ धन्यवाद दीदी। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, भी आज तो नींद आ गई अच्छे से, एकदम शांति शांति महसूस हो रही है, शांति शांति, इतनी शांति में चलेगा कि सबको शांति से नींद आ गई। नींद आना, नींद आना मामूली बात नहीं है, नींद नहीं आती है किसी को, यदि नींद आ गई एक ध्यान में तो बहुत बड़ी बात है। आज नींद आ गई थी दीदी, हमें भी नींद आ गई थी, आज तो नींद आ गई, रोज तो नींद अभी आज की आवाज एकदम अपन एकदम उसमें चल जाते हैं ना, डेल्टा में एकदम नींद आ जाती है।
एकदम डीप में, डीप स्लीप जो होता है ना वो हो गया आज सब लोगों को, और शांति से एकदम सब लोग कर रहे थे ना, मैं देख भी रही थी गैलरी में, बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे थे ना, इतना डीप मेडिटेशन था आज का, सबको नींद आ गई उसमें, अच्छा है, सब रिलैक्स हो गए। जय जिनेंद्र दीदी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं सबको, जय जिनेंद्र, सबको थैंक यू, सब मैसेज देने वाले को। जय जिनेंद्र दीदी, दीदी बहुत अच्छे से ध्यान हुआ, ऐसे एकदम शांति से ऐसे नींद आ गई थी। अच्छा, आज सभी को नींद आ गई भाई। हाँ, और स्टार स्टार दिख रहे थे, बहुत स्टार दिख रहे थे, स्टार ऐसे बोले तो चमकीले स्टार ऐसे दिख रहे थे। अच्छा चलिए, प्रतिक्रमण कराएंगे, बहुत अच्छा, धन्यवाद, सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, बहुत धन्यवाद दीदी आपको, बहुत अच्छे से करा रहे हैं आप। जय जी, आठ दिन और बचे हैं, आठ और बचे मेडिटेशन, 16 हो गए अपने आज। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र, आज तो दीदी बहुत सिर बहुत भारी हो रहा है, इतनी ऊर्जा आ गई और ऐसा जी घबरा रहा बहुत तेज। नमोकार मंत्र पढ़ लो एक बार, शांति से शांत हो जाएगा सब। और हमारे यहाँ मंदिर में ना धातु की गोल्डन कलर की प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की, और ऐसे लगा जैसे उनसे ऊर्जा निकल निकल के आ रही है, एकदम से फोकस पड़ रहा है लाइट की तरह से, बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। हमने तो कहा ही था ना, आप जहाँ जहाँ के भी शांतिनाथ भगवान के दर्शन करें उन्हीं को याद करो। एकदम से ध्यान आया, मैं शांतिनाथ भगवान का एकदम ध्यान किया, वो सारी ऊर्जा तभी आने लग गई एकदम से दिमाग। सुनीता जी करवाओ, प्रतिक्रमण करवाओ, सुनीता लोढ़ा जी। हाँ जय जिनेंद्र दीदी, प्रतीक्षण, क्या हो गया? एक मिनट आती थी, चलिए कल रेडी करके रखना, दीपा जी आप कराओ। देव 1086 आदिनाथ प्रभु की जय, शांतिनाथ प्रभु की शरण में आज हम रहे, शांतिनाथ प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, सबके जगत में सबके जीवन में शांति हो, इसी भावना के साथ आज हम प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन से वचन से काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरम समारम आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोक द्वारा एक भाव में या पूर्व भाव में किसी के साथ बुरा किया हो, सच्चे देव शांत गुरु की अभिनय की हो, अपने व्रतों में दोष लगाया हो, अपने नियमों को भंग किया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को घात पहुंचाया हो, किसी की विराधना की हो, तो मैं अपने सभी दोषों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझमें रहूं, मेरे किन्हीं कार्यों के कारण किसी जीव को दुख पहुंचा हो, उनका मन दुखा हो, इन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे सब मुझे क्षमा करें, और संकल्प लेता हूँ कि आगामी जीवन में मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, औरों को भी अच्छे कार्य करने की अनुमोदना करूंगा और प्रेरणा दूंगा। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न रहूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं, इन्हीं भावनाओं के साथ जो मैं ये अपना अनुष्ठान कर रहा हूं, अंत समय तक निर्विघ्न निरंतराय मेरा अनुष्ठान पूर्ण रूप से होता रहे। जिस दिन मेरी स्थिति ना हो, मैं अनुष्ठान ना कर सकूं, मेरा शरीर मेरे साथ ना दे,
उसी दिन मेरा देह परिवर्तन हो जाए, मैं किसी पर निर्भर ना रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, सबसे ऊपर लेके जाएंगे, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः सिद्धेभ्य। हाथों का दर्शन करेंगे, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। परम शांत स्वरूपोहम, परम शांत स्वरूपोहम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुनः एक बार घर्षण करेंगे और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में जिन किसी को भी इस ऊर्जा की आवश्यकता है उनके लिए छोड़ देंगे। हे प्रभु, सारे जगत में शांति हो, कहीं कोई दुख ना हो, सभी सुखी हो जाएं, सभी जीव सुखी हो जाएं, प्राणी मात्र का कल्याण हो, इसी भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और यह ध्यान भगवान की जय। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जी सभी को। बहुत सुंदर दीपा जी, चलिए ठीक है, मंगल करें। जय जिनेन सभी को, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। जय जिनेन दीदी, संगीता जी, सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। नमो नमः, नमो नमो नमः। चलिए ठीक है, जय जिनेन, बोले शांतिनाथ भगवान की जय। करें मंगल ना, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल।